हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वैकेंसी आएगा भी कि नहीं आएगा, और वैकेंसी कब आएगा, और वैकेंसी आने के बाद तैयारी करना है क्या। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, और जो भी एलपी एस्पिरेंट हो वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको फ्रेंड्स जो भी सोच रहे कि वैकेंसी आएगा तब जाके मैं तैयारी करूंगा, तो उन लोगों को साथ में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं अभी। क्योंकि देखिए, आपका अगर वैकेंसी आना रहेगा तो आएंगे ही, और हर 4 इयर्स में वैकेंसी को देखा गया है। लेकिन आप ये सोचिए कि 2018 वाली वैकेंसी में जिसके कुछ नंबर से रिजल्ट रह गए थे, उन लोग कितना उन लोगों का मतलब अच्छा तैयारी होगा, तब जा करके उन लोग अभी अपना थोड़ा बहुत जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके तैयारी कर रहे होंगे। और आप सोच सकते हैं कि उन लोगों का एक्सपीरियंस भी है एग्जाम में, और उन लोग अगर एग्जाम देंगे इस बार तो आप लोगों के लिए कितना कंपटीशन हाई रहेगा। तो आप लोग ये सोचिए कि हम लोग को तैयारी कब करना है और कब नहीं करना, आप लोग ये सोच लीजिए। क्योंकि 2018 वाली वैकेंसी में बहुत सारे लड़के लोग के रिजल्ट कुछ नंबर से रह गए थे, तो उन लोग अपना तैयारी अच्छे से करेंगे, और इस बार की वैकेंसी जब भी आएगी तो उन लोगों का एग्जाम भी दे चुके हैं, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उनको सिलेबस भी पूरा डीपली पता रहेगा। तो आप लोग ये सोचेगा कि उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है पहले, फिर जाके अभी जो तैयारी कर रहे हैं और जो अच्छे से अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी आपका कंपटीशन है। तो आप लोग अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि वैकेंसी तो आएंगे ही फ्यूचर में। तो आप लोग अगर अभी से आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा, और 2018 वाली वैकेंसी के जो भी लड़के का रिजल्ट कुछ नंबर से रह गया था उन लोग तो अपना 100% देंगे, और उन लोगों का रिजल्ट भी हो सकता है इस वाली वैकेंसी में। तो आप लोग, मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि 2014 वाली वैकेंसी के बाद आपका जो 2018 वाला वैकेंसी आया था उसमें पूरा सिलेबस को चेंज कर दिया गया था, तो उसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ था, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि इसमें टोटली न्यू सिलेबस को कवर अप करके एक बना करके दिया गया था, और इसमें 2018 वाली वैकेंसी में जो कुछ भी सिलेबस दिया गया था उसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन उससे पूछा गया था, और उसमें आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी ऐड किया गया था, और टेक्निकल सेक्शन भी अलग से एग्जाम लिया गया था। तो टेक्निकल सेक्शन में बहुत सारे लड़के लोग बाहर हो गए थे, उन लोग सही से तैयारी नहीं कर पाए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना वास्ट सिलेबस है और कितने स्टेज में एग्जाम आपको देना पड़ेगा। आप अगर कोई भी स्टेज में बाहर होंगे तो सीधा आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग ये सोचिए कि अगर वैकेंसी आ भी जाए और आपको अगर टाइम कम मिला तैयारी करने में, तो आप लोग का रिजल्ट तो ऐसे ही नहीं होगा। तो आप लोग ये सोच के पढ़िए कि वैकेंसी तो एक साल या फिर इसी साल या अगले साल कभी ना कभी तो आएंगे वैकेंसी। तो आप लोग का तैयारी अगर 100% रहेगा तो आप लोग इजिली एग्जाम को निकाल लेंगे, और आपको खुद फील होने लगा कि मेरा तैयारी हो गया है। तो आप लोग को एग्जाम में जब देने जाएंगे तब आपको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, और आप 100% कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एग्जाम में और अपने एग्जाम को इजिली दे देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग डेली पढ़िए, और डेली एक रूटीन बना के पढ़िए। जैसे 2 आवर्स मैथ पढ़े, फिर 2 घंटे जनरल साइंस, 1 घंटे रीजनिंग, फिर 1 घंटे करंट अफेयर, और फिर 2 घंटे करंट अफेयर्स, 2 घंटे आपका जनरल अवेयरनेस, ये सब सारे कुछ पढ़े, डेली पढ़े और डेली सेट प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई भी अगर कुछ भी डाउट होता है आपको पूछना है तो। आपको पढ़ाई डेली करना है अपने, आप ये कर लीजिए कि मुझे डेली पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, तब आपका एक हैबिचुअल हो जाएगा डेली पढ़ने का, और फिर आप डेली पढ़ पाएंगे। अगर आप एक एक दो दो दिन छोड़ के पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो आप डेली एक रूटीन सेट करके पढ़िए, आप देखिएगा आपका उसमें बहुत ही अच्छा से आप पढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, 2018 वाली वैकेंसी में टोटल 80 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, तो आप सोच सकते हैं कितना टफ कंपटीशन था। तो इस बार वैकेंसी आएगी तो और भी स्टूडेंट बढ़ जाएंगे कंपटीशन में, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। तो आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके पढ़िए, और आपका देखिएगा अपने आप तैयारी होने लगेगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच के पढ़िए कि वैकेंसी तो आएंगे ही और मुझे अपना 100% देना है, ताकि कभी भी वैकेंसी आए तो आपके लिए टाइम कम ना पड़ जाए जब वैकेंसी आए, और उसके बाद आपको टाइम कम ना पड़े जिसकी वजह से आपका एग्जाम निकल ना पाए। तो आप कोशिश करें कि आप अभी से अपना रेगुलर स्टडी करें,
और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के पढ़े ताकि आपका रिजल्ट हो। और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और जो भी चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से 1K पहुँचाना है अपने भाई के चैनल को, तो आप लोग सपोर्ट करिए और जल्दी 1K पहुँच जाएंगे चैनल। तो आप लोग को यही मैं कहना चाहता था कि वैकेंसी कब आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए क्योंकि वैकेंसी तो आएंगे ही। हर 4 years में देखा गया वैकेंसी 2014 के बाद 2018 में आई थी, तो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो आएंगे ही वैकेंसी। तो आप लोग अपनी तैयारी 100% रखिए क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में भी अगर एग्ज़ाम जल्दी ले लिया तो आपके पास टाइम कम रहेगा और उसके वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना लॉस होने वाला है। तो आप लोग प्रॉपर तैयारी करिए और कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।